हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। तो बेटा हम आपको बता देते हैं कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। मतलब हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो डायमेंशन के एप्लीकेशन हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। हम डायमेंशन के एप्लीकेशन पढ़ रहे थे और बहुत सारे एप्लीकेशन मैं आपको बता भी चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो एप्लीकेशंस आप लोगों को समझ भी आए होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है, आप लोग कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराकर चल रहा हूँ बेटा, बेसिक लेवल से लेकर आईआईटी एडवांस लेवल तक, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेकर अपर लेवल तक, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप हर तरीके का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं बेटा डायमेंशन के लास्ट एप्लीकेशन पर, और ये एप्लीकेशन हमारे लिए है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जो मैं एप्लीकेशन आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बेटा, कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे इस एप्लीकेशन के अंदर। ये एप्लीकेशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ये समझिए कि नीट एग्ज़ाम हो, JEE एग्ज़ाम हो या एडवांस का एग्ज़ाम हो, यहाँ से डायमेंशन के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमें इस एप्लीकेशन को करना है बहुत शानदार तरीके से तैयार, ठीक है। आप सभी लोग अच्छे बच्चे हैं, डेफिनेटली आप बढ़िया करके तैयार करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या है हमारा लास्ट एप्लीकेशन। बेटा लास्ट एप्लीकेशन है हमारा, हम डायमेंशन का यूज़ करके फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद द यूज़ ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद द यूज़ ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी डायमेंशन का यूज़ करते हुए हम यहाँ फॉर्मूले को ड्राइव करना सीखेंगे, किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव करना सीखेंगे। कैसे, आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। मैं फिर कहूँगा कि मैं बहुत बेसिक लेवल के एग्जाम्पल से स्टार्ट करूँगा बेटा, बहुत बेसिक लेवल के एग्जाम्पल से, और धीरे 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 लेवल को राइज करते जाएंगे, लेवल को बढ़ाते जाएंगे, और फाइनली लास्ट में पहुंचकर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास में नोट पॉइंट है वो ये है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आप ये देखिए। हमारे पास में आया बेटा फोर्स, आप सभी लोग जानते हैं कि फोर्स क्या होता है। उसने हमें कहा फोर्स इज डिपेंड ऑन टू क्वांटिटीज, फोर्स दो क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है मास के ऊपर और एक डिपेंड करता है एक्सीलरेशन के ऊपर, ठीक है बेटा। फोर्स इज डिपेंड ऑन टू फिजिकल क्वांटिटीज, नंबर 1 मास, नंबर 2 एक्सीलरेशन। डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ फोर्स विद द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब देखो बेटा, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहने वाला है, स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप हमारा रहने वाला है फोर्स डिपेंड करता है मास पर और एक्सीलरेशन पर। तो हम लिखेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, जिन पर भी फोर्स डिपेंड करता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाओ, मास की पावर लिख दो एक्स और एक्सीलरेशन की पावर लिख दो वाई। ये हमारा बेटा पहला स्टेप है, दो क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो दोनों क्वांटिटीज को मैंने यहां लिखा और एक की पावर को लिख दिया x और दूसरे की पावर को हमने लिख दिया y। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 बेटा, सेकंड स्टेप है हमारे पास में, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे। दिख रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल दिख रहा होगा, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और यहाँ लगाएंगे कांस्टेंट k, और यहाँ है हमारे पास में m टू द पावर x और a टू द पावर y, ठीक है बेटा। अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेप पर, थर्ड स्टेप पर हमने दोनों तरफ ले ली है डायमेंशन, थर्ड स्टेप पर मैंने दोनों तरफ डायमेंशन को टेक कर लिया है, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ ले ली है डायमेंशन। अब आप देखो बेटा, फोर्स की जो डायमेंशन हमारे सामने होती है वो होती है MLT-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। भैया K क्या है हमारे पास में, K है कांस्टेंट, और कांस्टेंट की तो कोई डायमेंशन होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है,
अच्छा m क्या है? मास, मास की डायमेंशन m ही होती है, ये हो गया m की पावर x। a क्या है? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की डायमेंशन होती है lt-2 की होल पावर y। समझ में आ रही है बेटा बात? अब आप देखो, इधर है हमारे पास में mLt-2 और इधर है हमारे पास में m2 power x, l2 power y, t2 power -2y। ये हो गया बेटा, ठीक है। ये जो होल पावर y थी ना, हमने लिख दिया l की पावर y और t की पावर -2y। अब दोनों तरफ की पावर को आप कंपेयर कराइए। कैसे कंपेयर कराओगे आप, जरा देखो, यहाँ है m2 power x और यहाँ है m2 power 1, यहाँ है m2 power x और यहाँ है m2 power 1। सो हम लोग लिखेंगे x = 1, x की वैल्यू आ गई है 1। उसके बाद यहाँ है l power 1 और यहाँ है l power y। सो बेटा y की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास में 1, x की वैल्यू भी आ गई है 1 और y की वैल्यू भी आ गई है 1। सो हम इन दोनों की वैल्यू को उठाएंगे और ये जो हमने बनाया था ना, f = constant m की पावर x यानी 1 और a की पावर 1, यानी फॉर्मूला हमारे सामने बन चुका है KMA। इस मेथड की एक लिमिटेशन है बेटा, इस मेथड का एक ड्रॉबैक है। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि डायमेंशन वाले मेथड का ड्रॉबैक बताइए क्या है, तो इस मेथड का ड्रॉबैक यह है कि इस मेथड का यूज़ करके हम k की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। k की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। हम डायमेंशन का जब मेथड लगाएंगे तो ये k का पंगा फंस जाएगा, इस k की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। तो आप एक काम करेंगे, आप लिख देंगे 4 SI units k = 1। सो फोर्स की वैल्यू आ गई है बेटा हमारे पास में ma, 4 SI units k = 1 और हमारे पास में जो फोर्स की वैल्यू आई है वो आई है ma, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। इस तरीके से हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव कर दिया है। तो ये पूरा मेथड है बेटा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं इसके ऊपर, आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो बेटा ये हो गई है हमारे सामने प्रॉब्लम नंबर 1। आइए और हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने। एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा हमारे पास में आया, देखिए ज़रा, एग्जाम्पल नंबर 2 आया P का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज डिपेंड ऑन 2 फैक्टर, नंबर 1 मास एंड नंबर 2 वेलोसिटी। जो हमारा लीनियर मोमेंटम है वो 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, पहले फैक्टर का नाम है मास और दूसरे फैक्टर का नाम है वेलोसिटी। तो हमें लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला ड्राइव करना है। सो अब आप देखो बेटा, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारे पास में? हमारे पास में फर्स्ट स्टेप रहेगा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2 power x v2 power y। मोमेंटम 2 क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसीलिए मैंने लिख दिया m2 power x और v2 power y। इसके बाद स्टेप नंबर 2, सेकेंड स्टेप आप देखें, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, कांस्टेंट लग गया m2 power x v2 power y। समझ आया बेटा यहाँ तक? 2 क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो 1 power x और दूसरे की पावर y। अब आप ले लीजिए तीनों तरफ डायमेंशन,
हम सॉरी तीनों तरफ नहीं दोनों तरफ, हम दोनों तरफ डायमेंशन टेक करेंगे। डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू के एम टू दी पावर एक्स वी टू दी पावर वाई। ओके बेटा, अब आप देखो लीनियर मोमेंटम की जो डायमेंशन हमारे पास में होगी, लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन होती है बेटा ये एम एल टी माइनस वन। थोड़ा सा आपको डायमेंशन पर ध्यान देना पड़ेगा और डायमेंशंस वगैरह आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। तो लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन होती है हमारी एम एल टी माइनस वन। भाई कॉन्स्टेंट की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, मास की डायमेंशन होगी m, तो ये हो गया m टू द पावर x। वेलोसिटी की डायमेंशन होगी एल टी माइनस वन की होल पावर y, ये हो गई हमारी वेलोसिटी की डायमेंशन। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखो क्या रिजल्ट निकलेगा। यहाँ आया हमारे पास में एम एल टी माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ बना हमारे पास में m टू द पावर x, यहाँ बना हमारे पास में l टू द पावर y, और यहाँ बना हमारे पास में t टू द पावर माइनस वाई। समझ आ रही है बेटा? अब दोनों तरफ की पावर को आप लोगों को करना है कंपेयर, दोनों तरफ की पावर को आप करेंगे कंपेयर। कैसे करेंगे कंपेयर, ज़रा ये देखिए, m की पावर क्या है x, और यहाँ m की पावर क्या है 1। सो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई है 1 के बराबर। इसके बाद देखिए L की पावर क्या है 1, और यहाँ L की पावर क्या है y, सो y की वैल्यू भी आ गई है बेटा हमारी 1 के बराबर। x की वैल्यू भी आ गई है हमारी 1 के बराबर, और y की वैल्यू भी आ गई है हमारी 1 के बराबर। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा लीनियर मोमेंटम था ना बेटा, लीनियर मोमेंटम वो था m की पावर x और v की पावर y, और साथ में था कांस्टेंट। तो ये बन जाएगा हमारा k m की पावर 1 और v की पावर 1, ये फॉर्मूला बनेगा बेटा हमारे पास में। k की वैल्यू तो हम इस मेथड का यूज़ करके निकाल ही नहीं सकते हैं, ये तो इसी मेथड का ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है इस मेथड की। तो यहाँ k की वैल्यू हम अपनी तरफ से लिख देंगे कि भाई यहाँ k की वैल्यू है 1। सो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में एम वी, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। कुछ इस तरीके से हम फॉर्मूला बनाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ आई हो, प्रॉब्लम ना हो यहाँ तक। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर थर्ड पर हम लोग आते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में हमें कहा गया है काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड ऑन टू फैक्टर, नंबर वन मास एंड नंबर टू वेलोसिटी। ये क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मतलब हमने ये देखा है जर्नली कि आर्मी पब्लिक स्कूल 1-2 सेंटेंस वगैरह में ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेगा। काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड ऑन टू फैक्टर, नंबर वन मास एंड नंबर टू वेलोसिटी। तो बेटा हम लोगों को यहाँ क्या करना है, हम लोगों को यहाँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है विद द यूज ऑफ डायमेंशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, और कैसे करेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव। बेटा फर्स्ट स्टेप हमारे पास में रहेगा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर एक्स और वी टू द पावर वाई। काइनेटिक एनर्जी दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाकर मैंने दो फैक्टर यहाँ लिख दिए, एक की पावर हो गई एक्स और दूसरे की पावर हो गई वाई। अब हम बढ़ते हैं आगे, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ आएगा कॉन्स्टेंट m की पावर x और ये हो गया v की पावर y। अब हम दोनों तरफ ले लेते हैं बेटा डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k m टू द पावर x और v टू द पावर y। हमने दोनों तरफ ले लिया है डायमेंशन, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोगों ने डायमेंशन ले लिया है। अब मैं आप लोगों को बता रखा है बेटा, एनर्जी चाहे कोई सी भी हो, नो मैटर, एनर्जी चाहे कोई भी हो,
सभी एनर्जीज की डायमेंशन होती है सेम, और वो होती है ML2T-2। एनर्जी चाहे कोई भी हो, हर एक एनर्जी की डायमेंशन यही होगी हमारी ML2T-2। अब आते हैं हम राइट साइड में। K तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। M यानी मास, मास की डायमेंशन हो गई M की पावर X। V यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई LT-1 की होल पावर Y। अब आप देखो बेटा, हमारे पास में बना M L स्क्वायर T^-2 इज इक्वल टू M^(X), यहाँ बना हमारा L^(Y) और यहाँ बना हमारा T^-Y। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हो। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि बोथ साइड की पावर को करना है कंपेयर। M की पावर है 1 और यहाँ M की पावर है X। सो हम लोग लिख सकते हैं कि X की वैल्यू आ गई है 1, यहाँ L की पावर है 2 और यहाँ L की पावर है Y। तो बेटा हम लिख सकते हैं कि Y की वैल्यू हो गई है 2। समझ आ रही बात? X की वैल्यू हो गई है 1 और Y की वैल्यू हो गई है 2। हमने इसे मान रखा है इक्वेशन नंबर 1। अब आपको एक काम करना है, इन दोनों की वैल्यूज़ को उठाना है और इक्वेशन नंबर 1 में आपको कर देना है पुट। अब जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, रिजल्ट बनेगा हमारा कांस्टेंट M की पावर 1 और V की पावर 2। ये बन गया बेटा। अब इस मेथड की लिमिटेशन क्या है? इस मेथड की लिमिटेशन ये है, हम K की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इस मेथड की लिमिटेशन ये है कि हम K की वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए K की वैल्यू हम किसी और मेथड से निकाल कर यहाँ पुट करेंगे बेटा, ठीक है? अब तुम कहोगे कि सर आपने K की वैल्यू कौन से मेथड से निकाल कर हाफ रखी। भैया किसी मेथड से निकाल कर हाफ नहीं रखी। जब क्वेश्चन आएगा तो K की वैल्यू वहाँ आपको गिवन मिलेगी। जब प्रॉब्लम आप लोगों से पूछी जाएगी, जब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, तो K की जो वैल्यू है वहाँ आपको गिवन मिलेगी। इसीलिए ज़्यादा माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान से बात को सुने आप लोग। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू हमारी निकल कर आएगी यहाँ पर, वो निकल कर आएगी हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल कर आएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हो बात। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी और यह है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो बेटा अब हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? कैपिटल L। कैपिटल L का नाम होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज डिपेंड ऑन 3 फैक्टर। नंबर 1 मास, नंबर 2 वेलोसिटी और नंबर 3 डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी हम कह सकते हैं। जो कैपिटल L है हमारा, वो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और इस कैपिटल L का जो नाम है वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ध्यान रखेंगे बेटा कि L का नाम है एंगुलर मोमेंटम, M है हमारे पास में मास, V है हमारे पास में वेलोसिटी और R है या डिस्टेंस है ये हमारे पास में, ठीक है? मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से यहाँ पर, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल V से और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे हम R से। तो बेटा फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहने वाला है? फर्स्ट स्टेप हमारा रहने वाला है ये, कैपिटल L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M^(X), V^(Y) एंड R^(Z)। देखो यहाँ 3 टर्म हो गए ना इस बार, तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाया, एक की पावर को रखा X, दूसरे की पावर को रखा Y, तीसरे की पावर को हम लोगों ने रखा Z।
यानी कैपिटल एल हमारा यहाँ तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, और वो तीन फैक्टर हैं हमारे पास में ये एम वी एंड आर, एम वी आर तीन फैक्टर हमारे पास में ये हैं। उम्मीद है कि समझ आई होगी बात, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगला स्टेप हमारे पास में रहेगा कैपिटल एल, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, यहाँ लगाएंगे कांस्टेंट, ये आएगा हमारे पास में एम टू द पावर एक्स, ये आएगा हमारे पास में वी टू द पावर वाई, और ये आएगा हमारे पास में आर टू द पावर जेड, ठीक है, आर टू द पावर जेड। अब दोनों तरफ हम ले लेंगे डायमेंशन, कैपिटल एल की डायमेंशन हमारी रहेगी एम एल टू टी माइनस वन, ये कैपिटल एल की डायमेंशन है, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा, ठीक है। मास की डायमेंशन मास ही रहेगी, वेलोसिटी की डायमेंशन रहेगी एल टी माइनस वन की होल पावर वाई, और आर का मतलब है लेंथ, लेंथ की डायमेंशन रहेगी हमारे पास में यहाँ जेड। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत अच्छे तरीके से आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। m की जगह m ही रखा, वेलोसिटी की जगह रखा एल टी माइनस वन, और r की जगह हम लोगों ने रखा l। अब हम बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास में आएगी ये एम एल टू टी माइनस वन इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास में m टू द पावर x, ये हो गया हमारे पास में l टू द पावर y। देखो यहाँ l की पावर y है और यहाँ L की पावर Z है, तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी और ये बन जाएगा L की पावर Y प्लस Z, और यहाँ है हमारे पास में T की पावर माइनस Y, ये कंडीशन बनी बेटा हमारे पास में। M टू द पावर X, L टू द पावर Y, L टू द पावर Z, पावर मल्टीप्लाई करेंगे पावर आपस में ऐड हो जाएगी, और यह है T टू द पावर माइनस Y। अब दोनों तरफ की पावर्स को ज़रा कंपेयर करिए और देखिए कि क्या रिजल्ट निकल कर आता है दोनों तरफ की पावर को कंपेयर करके। m टू दी पावर है 1 और यहाँ m टू दी पावर है x, सो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 1, ओके। अब आते हैं l पर, l की पावर है 2 और यहाँ l की पावर है y प्लस जेड, y प्लस जेड इज इक्वल टू 2, यहाँ t की पावर है माइनस 1 और यहाँ t की पावर है माइनस वाई, सो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वाई, कैंसिल आउट, y आ गया है 1, x आ गया है 1, y की वैल्यू को रखो यहाँ पर 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू 2 माइनस 1, जेड इज इक्वल टू 1। तो बेटा x की वैल्यू भी आ गई है 1, y की वैल्यू भी आ गई है 1, और z की वैल्यू भी आ गई है 1। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में इन्हें पुट कर दो, यह है इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों की। इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ही आप पुट करोगे, कांस्टेंट की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 1, m की पावर 1, ये 1 और ये 1, तो फॉर्मूला बन गया है l इज इक्वल टू एम वी आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और जिसे हमने ड्राइव किया है बेटा विद द यूज ऑफ डायमेंशन, हमने इसे ड्राइव किया है विद द यूज़ ऑफ डायमेंशन। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा फॉर्मूला अच्छे से समझ आया हो और कंसेप्ट आपको समझ आया हो कि भाई कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। करिए जल्दी से नोट डाउन, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं बेटा, बहुत सारी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, कोई डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा, सब डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 है कैपिटल टी बेटा, कैपिटल टी का नाम है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज डिपेंड ऑन टू फैक्टर, टाइम पीरियड हमारा दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, पहला है लेंथ डिनोटेड बाय कैपिटल एल या स्मॉल एल से दिखाते हैं हम लोग इसे, स्मॉल एल से दिखाते हैं, स्मॉल एल से, और दूसरा है ग्रेविटी, ग्रेविटी जिसे हम लोग शो करेंगे स्मॉल जी से, ओके बेटा। टाइम पीरियड इज डिपेंड ऑन टू फैक्टर, नंबर 1 लेंथ एंड नंबर 2 ग्रेविटी,
सो डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड विद द यूज ऑफ डायमेंशन. आपको डायमेंशन का यूज करके टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाना है, क्या होगा. चलिए बनाते हैं, बड़ा आसान है यार. कैसे बनाएंगे, फर्स्ट स्टेप है टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर एक्स एंड ग्रेविटी की पावर वाई. ये हमारा है बेटा स्टेप नंबर वन. लेंथ की पावर हो गई एक्स और ग्रेविटी की पावर हो गई वाई. ठीक है बेटा, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ. टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे और कांस्टेंट हम यहाँ लगाएंगे. ये हो गया हमारे पास में लेंथ की पावर एक्स, ग्रेविटी की पावर वाई, और हमने इसे नाम दे दिया है इक्वेशन वन, जहाँ कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 2π है. बाद में आपको कांस्टेंट की जगह 2π रख देना है बेटा. ठीक है, अच्छा अब हम ले लेते हैं दोनों तरफ डायमेंशन. डायमेंशन टाइम की डायमेंशन तो भैया टाइम ही होगी, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होगी. लेंथ की डायमेंशन लेंथ ही होगी. ग्रेविटी यानी एक्सीलरेशन, ग्रेविटी का मतलब एक्सीलरेशन से है बेटा, और एक्सीलरेशन की डायमेंशन हो गई हमारी ये. समझ आया. अब आप देखो इधर तो L है, इधर लेंथ है, लेकिन क्या इधर लेंथ है? नहीं, लेफ्ट साइड में लेंथ नहीं है. अगर लेफ्ट साइड में लेंथ नहीं है तो पहले हम इधर लेंथ बनाएंगे कैसे. अगर इधर लेंथ नहीं है तो हमने लगा दिया लेंथ की पावर जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेंथ की पावर जीरो का मतलब वन से होता है. और ये हो गया हमारा टी बेटा यहाँ पर. अब आइए आप यहाँ देखिए, यहाँ है अपने पास में, यह है लेंथ की पावर एक्स और यह है लेंथ की पावर वाई. तो ये बन जाएगा लेंथ की पावर एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा हमारा टी की पावर माइनस के टू वाई, टी की पावर माइनस टू वाई. इधर लेंथ नहीं था, वैसे तो इधर मास भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो मैंने दोनों तरफ में नहीं दिखाया. लेकिन इधर लेंथ है लेकिन इधर लेंथ नहीं है, तो हमने यहाँ दिखा दिया है बेटा लेंथ की पावर ज़ीरो. जरा दोनों की पावर को कंपेयर कराइए आपस में. लेंथ की पावर है एक्स प्लस वाई और यहाँ लेंथ की पावर है ज़ीरो, तो हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो. ओके, अच्छा उसके बाद यहाँ t की पावर है 1 और यहाँ t की पावर है माइनस के 2y. सो माइनस के 2y इक्वल टू 1, y इक्वल टू माइनस के 1/2. लो बेटा y की वैल्यू तो हमारी निकल गई. y की वैल्यू को उठाकर यहाँ रखो, x माइनस के 1/2 इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 1/2. x की वैल्यू निकल गई 1/2. x की वैल्यू आई है 1/2 और y की वैल्यू आई है माइनस के 1/2. इन दोनों की वैल्यू को उठाओ और यहाँ रखो. कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट की वैल्यू है 2π. लेंथ की पावर क्या है? x. और x की वैल्यू आई है हमारी 1/2. ग्रेविटी की वैल्यू क्या है? y, जिसकी वैल्यू आई है माइनस के 1/2. ठीक है, ठीक है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ तक छोड़ दोगे तो आंसर करेक्ट है, लेकिन चाहो तो थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो. कैसे करेंगे और सॉल्व? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π, एल की पावर 1/2, ग्रेविटी को अपॉन में ले जाओ, ये हो जाएगा 1/2. ठीक है बेटा, और पावर 1/2 का जो मतलब है वो अंडर रूट से है, और यहाँ हम लिख देंगे लेंथ अपॉन ग्रेविटी. लो बेटा ये आ गया हमारा आंसर, टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल अपॉन जी. ये होगा टाइम पीरियड का आंसर. अब बताइए आप लोगों को समझ आया या नहीं आया. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी बात और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए. एक और क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे. ओके स्टूडेंट, अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर. इस बार है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 6. देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 है क्या बच्चों, पहले आप देखिए कि एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास में है क्या. एग्जाम्पल नंबर 6 है वेलोसिटी. ये जो v है ये वेलोसिटी है. वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन 2 फैक्टर. नंबर 1 वेव लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा. नंबर 2 ग्रेविटी डिनोटेड बाय स्मॉल g. और v का मतलब है हमारा
वेलोसिटी। लो भैया देख लो पहले आप एक बार अच्छे तरीके से। वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन टू फैक्टर, नंबर वन वेवलेंथ एंड नंबर टू ग्रेविटी। हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है वेलोसिटी का, हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है बच्चों। तो ठीक है भैया करते हैं फॉर्मूला ड्राइव। स्टेप नंबर वन, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ यानी लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स, ग्रेविटी यानी जी, ये हो गया जी की पावर वाई। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे और कांस्टेंट लगाएंगे, और ये हो गया हमारे पास में लैम्डा की पावर एक्स और ग्रेविटी की पावर वाई। यहाँ कांस्टेंट की जो वैल्यू है वन के इक्वल है। दोनों तरफ हम लोग ले लेते हैं डायमेंशन, इधर भी हमने ले लिया है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी और इधर भी हमने ले लिया है डायमेंशन के, लैम्डा की पावर एक्स ग्रेविटी की पावर वाई। ठीक है, अब आप देखो बेटा वेलोसिटी की जो डायमेंशन होगी हमारे पास में वो होगी एल टी माइनस वन। ओके, के का मतलब है कांस्टेंट, लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ और लेंथ की डायमेंशन होती है एल, ये हो गया हमारे पास में एल की पावर एक्स। ग्रेविटी यानी एक्सीलरेशन, जिसकी डायमेंशन है हमारे पास में एल टी माइनस टू की होल पावर वाई, एल टी माइनस टू की होल पावर वाई। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल टी माइनस वन यह है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या है ज़रा देखो, यह है एल की पावर एक्स और यह है एल की पावर वाई, तो ये बन जाएगा हमारे पास में एल की पावर एक्स प्लस वाई और ये बन जाएगा टी की पावर माइनस के टू वाई। देखो ध्यान से, टी की पावर माइनस के टू वाई। अब आप पावर्स को ज़रा कंपेयर कराइए बेटा, एल की पावर वन यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, दूसरा आया माइनस के टू वाई इक्वल टू माइनस वन, सो वाई इक्वल टू वन बाय टू, वाई की वैल्यू को रखेंगे यहाँ, एक्स प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू वन, एक्स की वैल्यू भी निकल गई वन बाय टू। देखो बेटा एक्स भी निकल गया वन बाय टू और वाई भी निकल चुका है वन बाय टू, एक्स भी वन बाय टू और वाई भी वन बाय टू, दोनों की वैल्यूज को उठाकर यहाँ रख दो। वी कांस्टेंट की वैल्यू है वन, लैम्डा की पावर वन बाय टू, ग्रेविटी की पावर वन बाय टू, हम इसे लिख सकते हैं लैम्डा इंटू ग्रेविटी की होल पावर वन बाय टू, और होल पावर वन बाय टू का मतलब है अंडर रूट। तो आंसर आ गया बेटा हमारे पास में, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा इंटू जी, ये हमारी वेलोसिटी की वैल्यू होगी। अब छः एग्जाम्पल हो चुके हैं बेटा और इन छः एग्जाम्पल से मुझे ज़रूर पूरी उम्मीद है कि आपका काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, काफ़ी कंसेप्ट आप लोगों का इन छः एग्जाम्पल से क्लियर ज़रूर हुआ होगा बेटा। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, जल्दी से नोट डाउन करिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर सेवन, एग्जाम्पल नंबर सेवन क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर सेवन है हमारे पास में मास, डिपेंड करता है तीन क्वांटिटीज पर, पहली क्वांटिटी है एनर्जी, दूसरी क्वांटिटी है वेलोसिटी और तीसरी क्वांटिटी है टाइम। ठीक है बेटा, हमें मास का जो फॉर्मूला है वो इन तीनों के टर्म में बताना है क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है नीट में, स्पेशली नीट में जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे बच्चे, उनके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मास, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम, इन तीन क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको मास की डायमेंशन बतानी है इन तीनों के टर्म में, मास की डायमेंशन इन तीनों के टर्म में आपको बतानी है। तो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा हमारा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी की पावर एक्स।
वेलोसिटी की पावर वाई एंड टाइम की पावर जेड, ये लिख दिया हम लोगों ने। एनर्जी की पावर एक्स, वेलोसिटी की पावर वाई और टाइम की पावर जेड। ठीक है बेटा, अब हम बढ़ते हैं आगे। और अब हम आगे क्या लिखेंगे, मास इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एनर्जी की पावर एक्स, वेलोसिटी की पावर वाई एंड टाइम की पावर जेड। अब देखिए, हमने दोनों तरफ ले ली है डायमेंशन। भाई मास की डायमेंशन तो मास ही हो जाएगी, लेकिन मास के अलावा तो इधर कुछ भी नहीं है, ना लेंथ है ना टाइम है, तो इसीलिए मैंने लिख दिया लेंथ की पावर ज़ीरो और टाइम की पावर ज़ीरो। ये दोनों नहीं थे तो मैंने इन दोनों की पावर ज़ीरो बनाकर यहाँ लिख दिया। अब यहाँ आते हैं, कैपिटल ई क्या है, एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन ML2T-2 की होल पावर एक्स। वी क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन है LT-1 की होल पावर वाई। टाइम, टाइम की डायमेंशन है जेड। ये कंडीशन बन गई हमारे पास में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनेगी। एम एल टू दी पावर ज़ीरो टी टू दी पावर ज़ीरो इज इक्वल टू, बेटा यहाँ से हो जाएगा एम की पावर एक्स, हो गया एम की पावर एक्स। अब आते हैं एल पर, देखो एल की पावर टू और एक्स, टू एक्स, एल की पावर वाई प्लस वाई, ये हो गया एल की पावर, और कोई एल नहीं है, यहाँ एल है और यहाँ एल है। अब आते हैं टी पर, टी की पावर माइनस के टू एक्स, माइनस के वाई, और ये हो गया प्लस जेड। ये कंडीशन बन गई बेटा हमारे पास में। ये तो है मास की डायमेंशन, ये एनर्जी, ये वेलोसिटी, ये टाइम। जब सॉल्व किया तो ये कंडीशन आ गई। अब पावर को कंपेयर करना है, एम की पावर है एक्स और यहाँ एम की पावर है वन, सो एक्स की वैल्यू निकल गई हमारी वन। ठीक है बेटा, इसके बाद लेंथ की पावर है ज़ीरो और यहाँ लेंथ की पावर है ये 2x प्लस y इक्वल टू ज़ीरो। एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1, यहाँ रख दो 2 इंटू वन प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो, सो y इक्वल टू माइनस टू। एक्स हमारा आया है 1 और y आया है हमारा माइनस टू। अब आते हैं लास्ट में, लास्ट में क्या कंडीशन है, टाइम की पावर है ये और यहाँ टाइम की पावर है 0, तो माइनस के 2x माइनस के y प्लस के z इक्वल टू 0। माइनस के 2, x की वैल्यू आई है हमारी 1 माइनस, y की वैल्यू आई है हमारी माइनस 2 प्लस z इक्वल टू 0। माइनस 2 प्लस 2 प्लस z इक्वल टू 0, कैंसिल आउट, z की वैल्यू आ गई बेटा हमारी 0। x आ गया है 1, y आ गया है माइनस 2 और z आ गया है 0। इन तीनों की वैल्यू उठाओ और यहाँ पुट करो तो ये बनेगा m इक्वल टू एनर्जी की पावर 1, वेलोसिटी की पावर माइनस 2 और टाइम की पावर 0। ये हमारी मास की डायमेंशन बनेगी इन तीनों के टर्म में। एनर्जी की पावर 1, वेलोसिटी की पावर माइनस 2 एंड टाइम की पावर 0। तो बेटा ये हो गए हैं हमारे 7 एग्जाम्पल। बिल्कुल इतने ही एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास के बाद डायमेंशन का टॉपिक हमारा हो जाएगा ख़त्म। फिर आप जैसा चाहें वैसा क्वेश्चन आप डायमेंशन के ऊपर बना सकते हैं। एरर का टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया, कुछ नहीं बचा है उसके अंदर, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। कल आपका डायमेंशन भी फिनिश हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे बेटा यूनिट्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को समझ आई हो। आपका होमवर्क ये है कि इन 7 के 7 एग्जाम्पल को आपको रिपीट करना है अच्छे तरीके से। अगर कहीं कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो उस कंडीशन में आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।